कभी सोचा है कि जिंदगी में सक्सेस का मैजिक एक ही चीज में छुपा है? आज हम द वन थिंग के साथ इस राज को एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखेंगे क्या सीख सकते हैं हम इस बुक से। पारेटो प्रिंसिपल आप सबको पता ही होगा। सोचो तो 80% कमाई 20% मेहनत से आती है, पर ये बुक का कहना है कि इस 20% को ढूंढो, वो वन थिंग जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, लिव्ड एक्सपीरियंस। इमेजिन करो काम, फैमिली, पैशन का जगलिंग एक प्रो की तरफ, फिर आइए बुक जैसे एक लाइफ का रिमोट कंट्रोल। फोकस करो एक चीज पे और स्ट्रेस कम, खुशी ज्यादा, लाइफ में बैलेंस का मैजिक, स्ट्रेटेजीज। ये बुक सिर्फ विजडम नहीं, लाइफ का प्लेबुक है। कभी टाइम ब्लॉकिंग ट्राई किया है? इमेजिन करो डिस्ट्रैक्शन बंद, फोकस करो सिर्फ वो टास्क पे जो सच में गोल्स तक ले जा सके। रिकैप ऑफ दिस बुक। वन थिंग के अनुसार जिंदगी का मैजिक एक ही चीज में है, ये है वो मैजिकल फॉर्मूला जो जिंदगी को सिंप्लीफाई करता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट लाता है। पहला पार्ट है द लाइज वी हैव बीन टोल्ड। उसमें पहली चीज हम देखते हैं, हमें बहुत सारी ऐसे झूठ बताए गए हैं जो हमें कहा गया है कि ये सच है, लेकिन ये वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो उसमें से सबसे पहला है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, मतलब कि सब इक्वली, सब समान मैटर करता है। तो चलो इस झूठ को हमें थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बचपन में हमें यह कहा गया है कि सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर सच तो यह है कि हर चीज बराबर इम्पोर्टेंट नहीं होती। सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता, पर सक्सेस लिस्ट बनाने से हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा मिथ है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो हम सोचते हैं जो हमारा सुपर पावर है, वो असली में टाइम वेस्टर है। हमारे ब्रेन का बैंडविड्थ लिमिटेड है और जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, अटेंशन हर जगह पर घूमती रहती है, रिजल्ट्स हम 28% टाइम वेस्ट करते हैं। दैट्स ट्रू, 28%। तीसरा मिथ, अ डिसिप्लिन लाइफ। सिर्फ डिसिप्लिन सक्सेसफुल होने का राज नहीं है, डिसिप्लिन वो है जो हैबिट्स बनाता है। मैं हैबिट्स बनाने में अराउंड 18 से 254 दिन लगते हैं, स्वीट स्पॉट तो 66 दिन का है। और याद रखना, एक समय में एक ही हैबिट बनाए। विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल, ये चौथा मिथ है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्सेस है और हमें इसे समझना चाहिए। विल पावर को वाइजली यूज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अपने एक टास्क के लिए विल पावर यूज की तो अगले टास्क के लिए हम विल पावर कम यूज कर सकेंगे। इसलिए अपने वन थिंग को पहले रखें। अब बैलेंस लाइफ, ये मिथ को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जीवन में बैलेंस लाना मुश्किल है, असली मजा तो तब है जब हम अपने प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। हर क्षेत्र में ध्यान देना जरूरी है, पर एक समय में सबको अटेंशन देना मुश्किल है, इसलिए बैलेंस नहीं प्रायोरिटी। लास्ट मिथ है बिग इज बैड, बड़ा होना क्यों डरावना है, बड़ा और बुरा अलग है। हम ये बुक से सीख रहे हैं कि बड़े सोचने में ही असली मजा है, हमारे माइंडसेट को बदलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ा सोचने में ही असली प्रोग्रेस है। पार्ट टू देखते हैं, द ट्रूथ अबाउट प्रोडक्टिविटी। लाइफ इज अ क्वेश्चन, जिंदगी एक सवाल है, लेकिन ये सवाल सही होना चाहिए। ऑथर का कहना है कि पावरफुल क्वेश्चन से ही पावरफुल आंसर्स मिलते हैं। साइंटिस्ट एंड नॉर्मल पीपल में डिफरेंस ये है कि साइंटिस्ट अपने आप को बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वाई इज दिस, वॉट इज दिस, हाउ इज दिस। और जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप को, तो अपना हम अपने ब्रेन को फोर्सफुली यूज करते हैं, अपने ब्रेन को फोर्सफुली एक्टिव करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और हमें आंसर मिलना शुरू हो जाता है। जैसे इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल और ऑयल की जरूरत है, वैसे ही हमारे ब्रेन को चलाने के लिए राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जो बुक से आती है और कोर्सेज से आती है, वट एवर। एंड दूसरा, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग। ये दो चीज़ अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो आप अपना ब्रेन सही तरीके से यूज कर रहे हो। फोकसिंग क्वेश्चन से शुरुआत करो अपने जर्नी की, जिसे पूछ के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द सक्सेस हैबिट, एक छोटा हैबिट बना लो वन थिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए। हर दिन अपने आप से पूछो, आज का वन थिंग क्या है जो मुझे बेहतर बनाएगा। पेन पेपर लो हाथ में और राइट डाउन करो, लिख लो वो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हो कि हाउ कैन आई बी बेटर, हाउ कैन आई इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, हाउ कैन आई इंक्रीज माई इनकम। और उसके जो आंसर्स आते हैं, 20 आंसर्स आप बुक में लिखो, उसका आंसर्स लिखो, और उस 20 आंसर्स में एटलीस्ट एक दो आंसर्स तो ऐसे होंगे जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, देन दैट विल बी लाइफ चेंजिंग, आई एम टेलिंग यू, द पाथ टू ग्रेट आंसर्स। बड़े सवाल से ही बड़े जवाब मिलते हैं, ये क्वेश्चंस बड़े और स्पेसिफिक होने चाहिए। ग्रेट क्वेश्चन को फोकसिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करो और फिर देखो कैसे लाइफ एक नए लेवल तक पहुंचती है। पार्ट थ्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, लिव विथ पर्पस। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमन के अनुसार हैप्पीनेस का राज एंगेजमेंट में और
और मीनिंग में है। हमारी लाइफ का पर्पस हमें मोटिवेट करता है और टफ टाइम्स में साथ देता है। लिव बाय प्रायोरिटी, पर्पस बिना प्रायोरिटी के बेकार है। एक से ज़्यादा प्रायोरिटी होने पर भी एक प्रायोरिटी को चुनना जरूरी है। वो वन थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए गोल्स को नाउ मेन में सेट करो। लीव फॉर प्रोडक्टिविटी, डिसप्रोपोर्शनल रिजल्ट्स एक एक्टिविटी से आते हैं। अपने टाइम को वाइजली ब्लॉक करो। टाइम ऑफ के लिए अपने वन थिंग के लिए और अपने गोल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। हमारे लाइफ के चार चोर प्रोडक्टिविटी के चार चोर है। कौन से चार चोर है हम देख लेते हैं। पहला है इनएबिलिटी टू से नो, दूसरा है फियर ऑफ केओस, तीसरा है पुअर हेल्थ हैबिट और चौथा है रॉन्ग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते। इनसे बचो और अपने रास्ते पे बनो। क्या है ये चार चोर, थोड़ा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहला है इनएबिलिटी टू से नो। हम्बल होना सही है, लेकिन कई बार हमारे हम्बल होने के कारण कई लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं, तो हमें ना बोलना नहीं आता। तो आप फॉर्मली ना बोलो, ना बोलना सीखो। जो चीज़ आपके टास्क लिस्ट में नहीं है, जो आपके प्रायोरिटी में नहीं है, उसको स्ट्रिक्टली मना करो, अपने नो को क्लियर रखो। दूसरा है फियर ऑफ केओस। कंफर्ट जोन में हमारा माइंड एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर लगता है क्योंकि वहाँ पे केओस है। लेकिन असली मजा वो केओस में ही है। हमारी ब्रेन की असली वायरिंग और असली टीचिंग्स जब हम वो कंफर्ट जोन तोड़ते हैं तभी होती है। सो फियर ऑफ केओस से बचो। तीसरा है पुअर हेल्थ हैबिट। सब कुछ अच्छा होने पर भी अगर हेल्थ आपके साथ नहीं है तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और चौथा है रॉन्ग एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर की बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें एक अच्छा कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है आइदर इन लॉन्ग टर्म और इन शॉर्ट टर्म योर एनवायरनमेंट विल ऑलवेज बीट योर विल पावर। मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके विल पावर को कभी ना कभी तो हरा ही देगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपकी गोल्स को आपके विल पावर को सपोर्ट नहीं करता तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अपने एनवायरनमेंट को सही से सेट करो। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल किसी को चॉकलेट से दूर रहना है, जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर वो डाइट पे है, उसको चॉकलेट से दूर रहना है, तो उसको क्या करना होगा वो हैबिट बनाने के लिए, कि उसके एनवायरनमेंट को ठीक करना होगा। तो क्या करना होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्रिज खोलता है, तो जैसे ही फ्रिज खोलता है अगर उसमें चॉकलेट से तो उसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। ब्रेन कब तक रेजिस्ट करेगा? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ब्रेन खुद ही अपने विल पावर को छोड़ देगा और जो सामने है वो खाना चालू कर देगा। तो इससे ऑपोजिट क्या हो सकता है, आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। फ्रिज में अगर चॉकलेट्स रखे हैं तो उसको क्लियर करो, चॉकलेट हटा दो और वहाँ पे फ्रूट्स रख दो। तो जब भी आप फ्रिज ओपन करोगे तो आप फ्रूट्स ही देखोगे, तो आप फ्रूट्स ही खाओगे। सो ये सिर्फ एक छोटी सी टैक्टिक थी। ऐसे ही आप लाइफ को, अपने हैबिट्स जो आप बनाने वाले हो, जो गोल्स बनाने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट को सेट करो कि वो हैबिट और वो गोल आसानी से अचीव हो सके, उसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को एफर्ट करना अच्छा नहीं लगता, उसको सिस्टम चाहिए। तो उसे अच्छा एनवायरनमेंट दो, अच्छी सिस्टम दो। द जर्नी, जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि हमने अपनी जिंदगी नहीं जी। इसलिए इमेजिन करो अपनी लाइफ को एज बड़ा और एज व्यापक जीने जितना आप सोच सकते हो, और फिर उस तरफ बढ़ो और बताओ जब लाइफ स्मूथ चलती है वो कैसा लगता है। कमेंट करो स्मूथ ऑपरेटर, और तुम्हारे लाइफ का वन थिंग क्या है शेयर करो कमेंट्स में। लेट्स इंस्पायर इच अदर, ये एक सोलो मिशन है, चैलेंज फॉर यू। सब्सक्राइब करो चैनल को, चलो साथ मिलके अपनी लाइफ स्टोरीज को रीराइट करते हैं। इन अ नटशेल, द वन थिंग एक लाइफ का रिमोट कंट्रोल है, सिंपल मीनिंगफुल, सिंपल इम्पैक्टफुल और गेम चेंजर। ट्राई करो और याद रखना, लाइफ में जुगाड़ चलता है, जैसे एक दूसरे को ब्लेम करना आसान है, लेकिन लाइफ को मास्टर करना वो रियल मैजिक है। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ स्टोरी के साथ कमेंट्स करो, क्या तुमने वन थिंग को अपनाया है? तुम्हारा 20% क्या है जो तुम्हारी 80% विक्ट्रीज को ट्रिगर करता है? अगली बार तक स्टे अमेजिंग, और तुम्हारी लाइफ एल्गोरिदम हमेशा तुम्हारी साथ रहे। थैंक यू सो मच।